चांद तक रेस में भारत का चंद्रयान 3 आगे रहेगा या रूस का लूना 25? बीते महीने भारत ने एक बार फिर चांद के लिए अपना मिशन भेजा है। वहीं करीब 5 दशक के लंबे अंतराल के बाद चांद तक पहुंचने की रेस में रूस भी कूद पड़ा है। यानी एक रूसी और एक भारतीय स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गए हैं, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सकें। ये चांद का वो इलाका है जहां अब तक कोई लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया है। ये दोनों लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गए हैं। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च किया है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया है। जानकार कहते हैं कि ये दोनों ही मिशन लगभग समान वक्त चांद पर अपना अपना लैंडर उतारेंगे। ऐसे में दुनिया भर में लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारत या रूस में से कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर सबसे पहले और सफलतापूर्व उतारेगा। 1960 के दशक में शुरू हुई रेस, हालांकि चांद तक की ये रेस आज नहीं बल्कि 1960 के दशक में शुरू हुई थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। अमेरिका की इस उपलब्धि को दुनिया भर के लाखों लोगों ने टेलीविजन पर देखा। इसके बाद अमेरिका ने और भी कई मानव मिशन चांद के लिए भेजे। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है। 14 जुलाई 2023 को भारत के चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी। चांद की सतह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसमें वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ 6 चक्कों वाला एक रोवर भी है। उम्मीद की जा रही है कि चांद की कक्षा में कई बार चक्कर लगाते हुए ये पहले चांद पर उतरने की तैयारी करेगा और फिर लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। वहीं रूस का लैंडर लूना 25 11 अगस्त को चांद के लिए रवाना हुआ है। ये सीधे रास्ते से और चंद्रयान की अपे ऐशा बेहद तेज गति से चांद की तरफ जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये लॉन्च होने के 10 दिनों के भीतर ही चांद तक पहुंच जाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कॉस्मोस ने भी अपनी इस महत्वाकांक्षा को खुलकर सामने रखा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में रूस दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। लेकिन माना जा रहा है कि लूना 25 की यात्रा थोड़ी धीमी हो सकती है और हो सकता है कि वो चांद तक पहुंचने में थोड़ा अधिक वक्त ले। ऐसे में ये बिल्कुल संभव है कि चंद्रयान 3 का लैंडर पहले चांद की सतह पर लैंड करे। बात रूस की हो या भारत की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चांद तक पहुंचने की होड़ में अब एक बार फिर कई देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हाल के दिनों में चांद पर पानी के होने के संकेत पाए गए हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों में उत्साह है। उनका मानना है कि भविष्य में चांद पर बेस बनाना हो तो इस जमे हुए पानी के हाइड्रोजन से ईंधन तैयार किया जा सकता है। एक वजह यह भी है कि हो सकता है कि इस पानी को भविष्य में पीने लायक बनाया जा सकेगा। रूस के लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 के बीच की रेस निस्संदेह चांद की सतह के अन्वेषण के एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। इसमें भारत और रूस के अलावा अमेरिका, चीन, इसराइल, जापान के अलावा निजी कंपनियां भी चांद के लिए मानव रहित और इंसान को लेकर जाने वाले कार्यक्रम की योजना बना रही हैं। कुछ मुल्कों के लिए ये दोस्ताना प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ये बात सच है कि अन्वेषण का हर कार्यक्रम चांद के बारे में जानकारी की किताब का एक नया चैप्टर साबित होगा। चांद पर लैंडर उतारने का हर मुल्क का छोटा कदम सौर मंडल के सदस्यों को समझने में मानव की मदद ही करेगा। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले उतरेगा, ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। यूएस एयर और स्पेस फोर्स की एयर यूनिवर्सिटी में रणनीति और सुरक्षा मामलों की प्रोफेसर वेंडी व्हिटमैन कॉब कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मात्र संयोग है कि दोनों मून लैंडर एक ही वक्त चांद पर उतर सकते हैं, लेकिन ये बेहद दिलचस्प है। वो बताती हैं कि रूस 2021 में लूना 25 का लॉन्च करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके लॉन्च में देरी होती गई और ये इस साल प्रक्षेपित किया जा सका। वो कहती हैं कि इस मामले में भारत रूस से एक कदम आगे है, क्योंकि उसका स्पेसक्राफ्ट पहले ही चांद की कक्षा में है। वो कहती हैं, हो सकता है कि इस कारण रूस पर चांद तक पहले पहुंचने का दबाव भी हो, क्योंकि उन्होंने इसके लिए सीधा रास्ता चुना है। लूना 25 के मुकाबले चंद्रयान 3 दोगुने वजन का है
और रूसी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले उसे कम क्षमता वाले रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार चक्कर काटेगा और फिर उसके बाद खुद को चांद की तरफ उछाल लेगा। दोनों के कार्यक्रमों में सबसे अधिक दबाव ऑपरेटरों पर रहेगा, जिन्हें चांद पर लैंडर उतारने से पहले उसका सटीक आकलन करना होगा ताकि टचडाउन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो। आखिरी वक्त पर हुई मामूली सी तकनीकी गड़बड़ी से पूरे अभियान के नाकाम होने का खतरा है, और दोनों ही अभियानों को तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक वो अपने लैंडर को चांद की सतह पर सही तरीके से नहीं उतारते। हालांकि ये भी सच है कि दोनों देशों के लिए ये मामला राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ा है। यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान छेड़ने के बाद रूस कई स्तर पर पाबंदियों का सामना कर रहा है। ऐसे में वो ये साबित करना चाहता है कि स्पेस के क्षेत्र में उसकी क्षमता किसी भी कारण से प्रभावित नहीं हुई है। विटमैन कॉप कहती हैं, इन पाबंदियों का रूस के स्पेस कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ा है। ऐसी ही रोज नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।